पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार जेठ की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी को, तुलसी बुझा एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वा गत बड़ी आग है पेट की। वस्त्र इस कवित में तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में मजदूर किसान वर्ग व्यापारी भिखारी चारण नौकर चंचल नट चोर दूत बाजीगर आदि सब पेट भरने के लिए अनेक कार्य करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार के खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए यहाँ तक लोग अपने बेटा और बेटी तक को बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल के द्वारा ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र के आग से भी भयंकर है। वस्तुतः इस पद में तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार में सबसे बड़ी आग होती है वह पेट की आग होती है, जो भयंकर समुद्र की आग से भी भयानक होती है, और उसे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी रूपी घनश्याम ही बुझा सकता है। जब पेट की आग ऐसी होती है, उसको बुझाने के लिए यानी अगर व्यक्ति भूखा मर रहा हो तो कोई भी कर्म करने को तैयार होता है। यानी अगर व्यक्ति भूखा है तो कोई भी कर्म कर सकता है, यहाँ तक कि अपने पुत्र और पुत्री तक को बेच सकता है। ऊंचे नीचे जितने कर्म हैं वो करता है। धर्म अधर्म सब पेट के ही अधीन है। अब हम इस पद के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं, वस्तु काव्य सौंदर्य और भाषा सौंदर्य पर। तो इस पद में तुलसीदास जी ने भूख की स्थिति का वर्णन किया है, किस प्रकार से जो भूख होती है व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है, चाहे वह धर्म कार्य हो या अधर्म कार्य हो, व्यक्ति भूख को शांत करने के लिए करता है। अगला है कवित छंद। यह जो पद है यह कवित छंद में है। अगला है जिसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ जो होते हैं तत्सम शब्द उनका प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का लालित्य है इसमें, जानते ही हैं इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, आग बड़वा गति आग है, पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार तो इसमें कई जगह आया हुआ है, जैसे किसी भी किसान कुल, भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेट की, गुण गढ़त गहन गन अहन अखेट की, बेचत बेटा बेटी को, बड़वा गति बड़ी आग है पेट की। यहाँ अविता शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को पता है कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास शब्द साम्यम, यानी जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां देखते हैं किसी भी किसान, यानी यहाँ किसी भी में और किसान में दोनों क क की आवृत्ति हो रही है, भिखारी भाट में भ की आवृत्ति हो रही है, इसी प्रकार से और शब्दों की भी आवृत्ति हो रही है। अब जो अगला पद है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जो दरिद्रता है उसको वह संसार की सबसे बड़ी बीमारी है और सभी को इसने अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाए का करी, वेदो पुराण कहु लोकों विलोक कियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी,
दार दसान दबाए दीनी दीन बंधो दुर्दहन देख तुलसी हा करे। तुझल कहते हैं कि अकाल के कारण भयानक स्थिति आ गई है। इसमें किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहता तो भीख नहीं मिल पा रहा है, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है, व्यापारी का व्यापार नहीं मिल पाता है, यानी व्यापारी को व्यापार करने का साधन नहीं है, नौकर को नौकरी नहीं मिलती है। इस प्रकार से चारों तरफ बेरोजगारी छाई, ऐसी भयंकर बेरोजगारी देख करके आजीविका से साधन न होने पर लोग दुखी हैं, आजीविका के साधन न होने पर लोग बहुत दुखी हैं और चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेद और पुराणों में कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है, जब जब भी संकट उपस्थित होता है तब तब सब पर राम कृपा करते हैं। हे दीन बंधु, इसमें दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है। आप सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं, आप तो पापों को नाश करने वाले हैं। खाय है मची हुई है और इस गरीबी को, इस दरिद्रता को केवल आप ही नष्ट कर सकते हैं। वस्तुतः तुलसीदास जी इस पद में, कवित्त में अपने समय की भयानक बेरोजगारी का वर्णन करते कहते हैं, किसान है, भिखारी है, व्यापारी है, नौकर है, किसी को भी रोजगार के साधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो केवल भगवान ही हैं, एक सहारा रहते हैं। इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस दरिद्रता रूपी दशानन का नाश करें और लोगों को रोजगार प्रदान हो, रोजगार लोगों के जीविका प्रदान हो। तात्कालिक समाज में बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण इस पद में तुलसीदास ने किया है और यहाँ उनकी राम की भक्ति प्रकट हुई है। और उसके अलावा देखते हैं उन्हें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। वस्तु हम जानते ही हैं कि कवित्व जो है वह ब्रज भाषा में है। दार दशानन दुर्दहन में रूपक अलंकार है। दरिद्रता रूपी दशानन और दुर्दहन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद है, कवित्व पता है सबको। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और अनुप्रास अलंकार का तो भी बहुत जगह प्रयोग हुआ है। कि किसान को सिद्ध मान सोच बस एक एकन से साकरे सबय रावरे राम राम रावरे कृपा करी दारिद सानंद बाय तूनी दीने बंधु दुर्दहन देख। इन सभी पदों में आप लोग देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले पद में जो तुलसीदास जी, जो समाज में उनके प्रति कुछ द्वेष रखा गया था उसे क्षुब्ध होकर के, इन आक्षेपों से क्षुब्ध होकर के वह यह पद लिखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूतु कहो जुलाहा कहो को काहू के बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जात ने बिगार न सो तुलसी सर नाम गुलामू है राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओ मांग की खैबो मसित को सोबो लैब को एक न देब को तुई। यहां इस पद में तुलसीदास जी समाज में व्याप्त जातिवाद धर्म के पाखंड का खंडन करते हुए कहते हैं वे केवल श्री राम के भक्त हैं और किसी के नहीं। अभी कहता है, यानी तुलसीदास जी कहते हैं समाज चाहे धूर्त कहे या पाखंडी कहे, सन्यासी कहे या राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं, चाहे आप मुझे जो कुछ कहो, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और न ही किसी जात को बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ और इसे पूर्णतः मैं सहमत हूँ और इसी में मैं समर्पित हूँ। यानी राम के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तुम जाए कुछ कह दो, मैं तो केवल राम का गुलाम हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है, मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मुझे किसी समाज से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह केवल राम भक्ति के प्रति समर्पित है। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं समाज मुझे चाहे कुछ कहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो केवल श्री राम जी का
दास हूँ, गुलाम हूँ, चाहे मुझे जो कुछ कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, साधु कहो, पाखंडी कहो, जुलाहा कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं किसी की जात बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल भगवान का दास हूँ और भगवान की भक्ति करता हूँ, मांग खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहां देखते हैं इस पद की विशेषता क्या है। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपने राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास से भक्ति का भाव चित्रित है, कहते हैं लेबो को एक न देवो को दुई, मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, इसमें ब्रज भाषा है, मस्जिद सोने की बात करके कवि ने अपनी उदारता और समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, कहे को काहू की कहे कछु, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण लगने से मूर्छित जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी के अपने भाई के प्रति प्रेम और अपार स्नेह दिखाई पड़ता है। अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तव प्रतापुर राखी प्रभु जइहउ नाथ तुरंत, आस कहीं आयु से पाही बंध चले हनुमंत, भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पति प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हे नाथ, हनुमान जी कहते हैं हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके और भरत जी की आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल शील स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन ही मन में सराहते हुए संजीवनी बूटी लेकर के लंका की तरफ चलते जा रहे थे। हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेकर चलते हैं और कहते हैं आपके प्रताप को, तव प्रताप, आपके प्रताप को उर्मन हृदय में राख में रख करके हे प्रभु मैं तुरंत चला जाऊंगा। कहते हे प्रभु आपके प्रताप को हृदय में धारण करके मैं तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आयुष्मानी आज्ञा पा करके आज्ञा पा करके पद बंद चले वो हनुमंत और भरत जी की चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत के बाहु बल स्वभाव गुण और भगवान के चरणों में जिनका अपार प्रेम है उसकी बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। अब यहां देखते हैं छंद जो है दोहा है, भाषा इसकी अवधि है और इसमें जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है वह अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। मन महु पुनि पुनि पवन कुमार पाए बंद में अनुप्रास अलंकार है और पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और यहाँ भरत जी और हनुमान जी की दोनों की भगवान के चरणों में अपार भक्ति है उसके वर्णन किया गया है। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उल्लायो, सकहि न दुखित देखि मोह को काउ बंधु सदा तो मृदुल सुभाउ, मम हित लागे तज पित माता सहे विपिन हिम आतप बाता, तो अनुराग कहाँ अब भाई उठ न सुनि मम बच पिकलाई, जो जन तो बन बंद बिछो हूँ पित वचन मनते नहीं ओ हूँ। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखते हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी और मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई है कपि अर्थात हनुमान जी अभी तक नहीं आए, ऐसा कह करके राम उठाए अनुज उर लायो, ऐसा करके रामचंद्र जी अपने भाई को हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखी देखि मोह काउ बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई मुझे दुखी कभी नहीं दे सकते हो, तुम्हारा स्वभाव जो था बहुत ही मृदुल है, मम हित लागे तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, सहयो विपिन हिम आतक बाता, तुमने गर्मी ठंडी और बरसात को तुमने सहा है, सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई वह अनुराग तुम्हारा कहाँ चला गया है, उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई,
अब मेरे इस व्याकुल वचन को सुनकर के तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? जो जन तो बन बंद बिछो हूँ, अगर मैं जानता वन में भाई से बिछो होगा तो पित वचन मानते नहीं हो, तो पिता के वचन को मैं नहीं मानता। देखते हैं लक्ष्मण जी को देखते हुए श्री राम जी सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते कहने लगे, आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने सीने से लगा लिया और बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते हो, तुम्हारा स्वभाव सदा मृदुल और कोमल और विनम्र रहा है, मेरे लिए तुमने अपने माता पिता का तक का त्याग कर दिया है, जंगल में ठंड धूप तूफान आदि सब कुछ मेरे लिए तुमने सहन किया, हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। सुंदर और भाषा सुंदर। इस पद में राम के मानवीय रूप और उनके विलाप का वर्णमार्मिक वर्णन किया गया है। रामचंद्र के मानवीय रूप यहाँ देखते हैं मनुज अनुसारी, यानी भगवान जो हैं वो हैं तो देवता पर मनुष्य के अनुसार लीला कर रहे हैं, और बिंब कह है दृश्य, यानी पूरा दृश्य आपको दिखाई पड़ा, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। रस कह करुण रस की प्रधानता है इसमें, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा तो पता ही है रामचरितमानस की अवधि है, और अनुप्रास अलंकार की छटा भी इसमें दिखाई पड़ती है। बोले बचन दुखित देखी बन बंद बिचो हूं, बच बिगलाई जैसे शब्दों में, जैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार का दृश्य दिखाई पड़ता है। करते हैं देखिए, तुलसीदास जी ने यहाँ रामचंद्र जी के माध्यम से भाई की महिमा का वर्णन किया है कि भाई इस संसार में सबसे बढ़कर होता है, और उसके आगे भाई के प्रेम के आगे संसार के सभी वस्तुएं छोटी होती। कहते हैं सुत बीत नारी भवन परिवारा, वही जाहि जग पारहि पारा, यानी सुत माने पुत्र, बीत माने धन, नारी माने स्त्री, भवन माने मकान, परिवार जो हमारा कुटुंब है, वही जाहि जग पारहि पारा, ये संसार में बार बार प्राप्त हो सकते हैं, ताकि ये तो महत्वपूर्ण हैं, परंतु इन्हें आप द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अस विचारे जे जागम दाता, मिलन जगत सहोदर भ्राता, कहते हैं हे भाई ऐसा विचार करके उठो, जागम दाता हे तात उठो, क्या विचार करके? मिलन जगत सहोदर भ्राता, इस संसार में दूसरा भाई नहीं मिल सकता है। एक बार फिर से इस पद को पढ़ते हैं, सुत बित नार भवन परिवारा, हुई जाहि जग बारहि पारा, अस विचारे जे जागहु ताता, मिले जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अत तीना, मन बिनु फन करे बर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दय जियावहि मोही, कहते हैं अगर मैं जिंदा रहूंगा, अगर यह निष्ठुर देवता तुम्हारे बिना असमम जीवन उस प्रकार से जीवित रहूंगा, बंध बिन बिना तुम्हारे, अगर यह जड़ देवता मुझे जिंदा रखते हैं या निष्ठुर देवता मुझे जिंदा रखते हैं, तो मैं उसी प्रकार से जिंदा रहूंगा। कैसे जिंदा रहूंगा? जैसे यथा पंख बिनु खग अत दीना, जैसे पंख की बिना पक्षी जिंदा रहता है, मणि बिनु फन यानी मणि की बिना सर्प जिंदा रहता है, करीबर कर ही ना हाथी बिना सूंड की जिंदा होती है, उसी प्रकार से भाई मैं भी जिंदा रहूंगा अगर निष्ठुर देवता मुझे जिंदा रखता है। आगे कहते हैं जइहौं अवध कौन मोहिलाई, नारे हित प्रिय भाई कमाई, मैं अवध पूरी कौन सा मुंह लेके जाऊंगा जब लोग कहेंगे अपनी स्त्री के लिए अपने भाई को उसने कमा दिया, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हान विशेष छत नाही, मैं संसार में जो अपजस होता वो सह लेता कि इसने अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, परंतु कह रहे हैं कि नारी हान विशेष छत, नारी के हानि से विशेष छत नहीं है, मतलब यहाँ स्त्री के लिए कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं भाई से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, यहाँ भाई की आगे तुलना करते हुए कह रहे हैं।
फिर से व्याख्या को देखते हैं। श्री राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार बार बार मिल सकता है और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। यह विचार करके हे ताद तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, असून के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन होता हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरे जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड से विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं और कहते हैं, कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा? लोग कहेंगे, पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया, मैं पत्नी खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि से क्षति नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहय निठुर कठोर गुर मोरा, निर्जन्मी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा, सौंपिस मोहि तुम्हें गही पानी, सर्विद सुखद परम हित जानी, उतरो का दई हूँ तही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविध सोचत सोच विमोचन, तरत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा, अब यह जो तुम्हारे वियोग का कष्ट है वह मेरा कठोर हृदय सहन करेगा। तुम निर्जननी के एक कुमारा, तो अपनी माता के मात्र एक आधार थे, एक मात्र पुत्र थे, तात तास तुम प्राण आधारा, उनके प्राण के तुम आधार। अब हम लोग इसकी व्याख्या देते हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा, अब तुम्हारे जो वियोग का है, अपयश है, हे सुत, वो मेरा हृदय सहेगा। तुम्हारे जो वियोग का, तुम्हारे जो इस वियोग का अपलोक है, अपलोक मतलब अपयश है, वो मेरा कठोर हृदय सहेगा। निजन्नी के तुम, निजन्नी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा, तुम अपनी माता के मात्र एक पुत्र हो, उनके प्राण के आधार हो। सौंपस मोहित मोहि गही पानी, सविध सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। उतर उका दई हूँ तही जाई, उठ की नि मोहि सिखाओ भाई, मैं उन्हें जा करके क्या उत्तर दूंगा, हे भाई मुझे तुम सिखाओ बताओ कि जा करके तुम्हारी माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, या कह रहे हैं बहुविध सोचत, बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है? जो संसार के शोक को हरने वाले हैं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, बहु प्रकार से सोच कर रहे हैं। कौन सोच कर रहा है? जो संसार के शोक को हरने वाले हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उनकी जो राजीव दल निकमल जैसी आंखें हैं, उससे आंसू टपक रहे हैं, बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, अब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर हैं, अखंड रघुराई हैं। परंतु नरगति भगत कृपाल दिखाई, परंतु मनुष्य के अनुसार लीला कर रहे हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों को दिखाने के लिए वह मनुष्य के समान लीला कर। उठा है, हम लोग अब पढ़ते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आए गए हनुमान जिम, करुणा महबीर रस। प्रभु के जिस बयान, प्रभु के जो ये वचन थे, जो विलाप था, उसको सुन करके बानर भालू जो है व्याकुल हो जाते। परंतु जैसे जीवन में दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह से जब बानर भालू व्याकुल हो रहे थे भगवान जी के विलाप को सुन करके, उसी समय हनुमान जी आते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, आए गए हनुमान, हनुमान जी आ गए। कैसे आ गए? जिम करुणा महावीर रस,
जैसे करुणा के रस में वीर रस का उदय हो गया। अब एक बार पुनः इन पदों की व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण के होश में आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयस और तुम्हारे सुख दोनों को सहन करेगा। हे ताप, तुम अपनी माता की मात्र पुत्र हो तथा उनके प्राण के आधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर मुझे बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपे सुंदर नेत्रों से आंसू भरे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की अद्वितीय और अखंड हैं। राम जी अद्वितीय और अखंड हैं, यथार्थ इस संसार के एकमात्र स्वामी हैं। परंतु भक्त पर कृपा करने वाले भगवान ने मनोदशा दिखाई है। परंतु भक्त पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य के समान दशा को दिखाया है, क्योंकि वह मनुष्य के अवतार में थे। प्रभु का विलाप सुनकर वानर समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे कि करुणा के रस में वीर रस का आगमन हो गया। इस पद में राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है। बिंब दृश्य है, भाषा इसकी अवधि है, चोपा भाषा इसकी अवधि है, चौपा या सोटा छंद का प्रयोग किया गया है, रस कंगुरस है और अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें बहुत जगह दिखाई पड़ रही है। तात तास तुम तात तास अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दिखाई पड़ती है। तात तास तुम बहुविध सोचत सोच विमोचन सोचत सोच सर्वत सलिल राजी दल लोचन प्रभु प्रलाप, ऐसी जगहों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं, तब ये आगे का प्रसंग है। हर्ष राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैठ तब कीनी उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाए प्रभु भेट भ्राता, हर्षे सकल भालु कपराता, कपि पुन बैठते हैं पहुंचावा, जय विरता ही लई आवा। अब व्याख्या देते हैं, हर्षे राम भेट हनुमान। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं तो रामचंद्र जी उठते हैं और प्रसन्नता के साथ हनुमान जी को गले लगाते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, ये प्रभु हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यधिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हनुमान जी के प्रति। तुरंत बैठ कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, तुरंत सुषेण बैठ ने उपाय किया और लक्ष्मण जी प्रसन्नता के साथ उठ बैठते हैं। हृदय लाए प्रभु भेट भ्राता, तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई को गले लगाते हैं। हर्षे सकल भाल भ्राता, सभी बानर भालू इस दृश्य को देखकर के प्रसन्न हो जाते। कपि पुन बैल तह पहुंचावा, जय वीर ताहि लई आवा। तब हनुमान जी सुषेण बैल को जिस प्रकार से लाए थे उसी प्रकार से लंका पहुंचा देते। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके सुषेण बैल को देते हैं और सुषेण बैल जब लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी खिलाता है और लक्ष्मण जी उठ जाते हैं, मूर्छा उनकी दूर हो जाती है, तब यह जब वृतान दशा में सुनता है तब उसी मनुष्य क्या होती है और क्या करता है उसी के बारे में इन चौपाइयों में बताया गया है। यह वृतान दशान सुनयो, अति विषाद कुन कुन सिर धुनयो, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करता ही जगावा, जागा निश्चर देखूं कैसे, मानव काल देह धर बैसता, कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। जब यह वृतांत सानन सुनो, जब यह वृतांत सानन सुनता है, अति विषाद अधिक विषाद होता है, उसको दुख होता है और अपना सिर धुन लगता है, कष्ट में पड़ जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही हवा, और व्याकुल होकर के अपनी एकमात्र आशा जो थी वह कुंभ
था पूर्ण प्रण को जगाता रहे। विविध जतन करता है जगावा, बहु प्रकार से प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाता है। जागा निश्चर देखो कैसे, जागा निश्चर देख कैसे, मानव काल देह धर वैसा। जब वो निश्चर जागा निश्चर देख कैसे, मानव काल देह धर वैसा। जब वो निश्चर जागता है तो कैसा दिखाई पड़ता है, मानव साक्षात यमराज सरधा कर बैठा हो। कुंभकर्ण पूछा कहो भाई काहे तब मुख से रहे सुखाई। कुंभकर्ण पूछता है, देखता है और बोलता है, हे भाई तुम्हारा यह मुख क्यों सूखा हुआ है, दुखी क्यों दिखाई पड़े हो। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो और दुख से अपना सिर धुन लिया। व्याकुल होकर के वह कुंभ के पास व्याकुल होकर के वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाकर बैठ गया, वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने सिर धारण कर रखा। कुंभकर्ण ने पूछा, भगाओ भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। रावण के दुख, अब यहाँ हम इसके काव्य सौंदर्य भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। रावण के दुख का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कोई पुण्य में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। भाषा इसकी अवधि है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। सिर धुनना और मुख को सुखाना क्या है, यह मुहावरे हैं। कथा कहीं सब तहीं माना कहीं प्रकार से ता हरियाणा। तात कबीर सब निश्चर मारे महा महा जुदा संघारी। दुर्मुख सुरुख मनुज आहारी भट अधकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि पीरा परे समर मही प्रवरंतिता। दुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिरखान। जगदम्बा हरियान अब हम लोग इस पद की व्याख्या देखते हैं। कथा कहीं सब तब अभिमाना कहीं इस प्रकार सी लगा। कथा कहीं सब तब अभिमाना कहीं प्रकार सीता हरियाणा। तब रावण सभी कथाओं को बताता है किस प्रकार से उसने सीता का हरण किया है और किस प्रकार से निशाचरों का संहार बंदरों ने सभी निशरों को राक्षसों को मार दिया। महा महा योद्धा समय बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया। दुर्मुख सिर्फ मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी। और देवताओं के शत्रु मनुज आहारी मनुष्य का आहार करने वाले, भट अतिकाय अकंपन भारी बड़े बड़े योद्धा जो थे, अतिकाय अकंपन जैसे भारी योद्धा थे। अपर महोदर आदि जो वीर थे सभी क्या है, परे समर मही सभी रंधिया, सभी युद्धभूमि में पड़े हुए हैं। यह सुन करके कुंभकर्ण बोलता है, सुनि दशकंधर वचन तब। दशकंधर के वचन को सुन करके कुंभकर्ण बिरखान, कुंभकर्ण रोने लगता है। जगदम्बा हरियाणि सठ अब चाहत कल्याण। कुंभकर्ण के वचन सुन करके, रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगता है, रोने लगता है। दशकंधर के वचन यानी रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगता है, रोने लगता है और कहता है, दुष्ट मूर्ख सठ माने मूर्ख, तुमने जगदम्बा ने जो संसार की माता है, जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा को हर को लाए हो, जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा को हर के लाए हो, अब अपना कल्याण चाहते हो। मानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथाओं का उसने कुंभकर्ण को सुनाया। रावण ने बताया, हितात हनुमान ने सब राक्षस मार दिए, उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख देव शत्रु नरांतक महायोद्धा अधिकाय अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण रोने लगता है, बिलखने लगता है और कहता है, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुरा कर अब तो कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है।
कलियों में रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। भाषा अवधि है, चौपाई और दोहा छंद है, वीर रस विद्यमान है, उपस्थित है, महा महा में पुनरुत प्रकाश अलंकार है, तथा कहीं अतिकाय अकंपन अनुप्रास अलंकार है।